इस वर्ष गुजरात में नवरात्रि के जोश को देखकर आईडीटी ने एफ स्टूडियो के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें छात्र स्वयं डिजाइनर नवरात्रि के परिधान व एक्सेसरीज बना रहे हैं। यह प्रतिस्पर्धा 3 राउंड इलस्ट्रेशन, एक्सेसरीज मेकिंग और गारमेंट कंस्ट्रक्शन के रूप में हो रही है। इलस्ट्रेशन राउंड को पार करके 20 बच्चे एक्सेसरीज राउंड के लिए पहुंचे। इन छात्रों ने अपनी रचनात्मकता दर्शाते हुए मल्टीपर्पज और कन्वर्टेबल ज्वेलरी का निर्माण किया, जो अभी तक नवरात्रि में देखने को नहीं मिली है। ऐसी एक्सेसरीज का भी निर्माण किया जिनको विभिन्न रूपों से पहना जा सकता है। इसकी जूरी के लिए वनिता रावत, स्वस्तित गोलावाला और पूजा घिवाला को बुलाया गया था। इस प्रतियोगिता के द्वारा नवरात्रि में एक्सेसरीज का एक नया व डिजाइनर कलेक्शन सामने आया। इस कलेक्शन को घुड़दौड़ स्थित एफ स्टूडियो में आम जनता तक पहुंचाने के लिए काफी किफायती दामों पर बेचने के उद्देश्य से रखा गया है। अंकिता गोयल, आईडीटी की डायरेक्टर, ने कहा कि ये आईडीटी का एक नया प्रयास है अपने छात्रों को इंडस्ट्री के साथ जोड़कर एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने का। आईडीटी सदैव ही अपने छात्रों को प्रैक्टिकल अनुभव के लिए प्रेरित करता है और यह प्रतियोगिता इसका एक बहुत बड़ा जरिया है। प्रियंका जायसवाल ने आईडीटी के छात्रों की एक्सेसरीज ही बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये एक्सेसरीज हमारे कस्टमर्स को काफी पसंद आएंगी और इस प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों को एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। इस सहभागिता के माध्यम से हम सूरत में फैशन इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सूरत सिर्फ एक टेक्सटाइल हब नहीं बल्कि एक फैशन हब की तरह भी अपनी पहचान बनाएं।